राज, राज, राज मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ राज। हम कब तक सबसे झूठ बोलते रहेंगे कि तान्या की तबीयत ठीक नहीं है? कन्हैया बहुत बुरा आदमी और मेरी बहन उसके साथ है, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी, किस हाल में होगी। हम कब तक इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? रिलैक्स कृष्णा, रिलैक्स। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, उस पे भरोसा रखो। मैं किसी भी कीमत पर तान्या को वापस लेकर आऊंगा। स्कोर किया आपने? बलि का बकरा। सब लोग नाश्ते के लिए आ रहे होंगे। हाँ, मैं किचन में जाती हूँ। हेलो। हेलो। देखिए, अगर आप ऐसे ही फोन करेंगे और बात नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा? आप मुझे बोलिए, आपको क्या चाहिए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये हाल देखकर। क्या कहते थे? तान्या तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा प्यार है। अगर वो तुम्हारा सच्चा प्यार है तो पूछो, पूछो अपने प्यार से मेरा पता, पूछो। क्या हुआ, कुछ पता चला? पता चला मैं कहाँ हूं? क्या हुआ राज, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? एक काम करते हैं, लुक्का छुपी खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। और मैं तुमसे एक बात की शर्त भी लगा सकता हूं कि तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताऊंगा भी जिससे तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर तुम्हारा प्यार मेरे प्यार से ज्यादा हुआ। और अगर तुम्हारा प्यार मेरे प्यार से कम हुआ तो तुम ऐसे ही ऐसे ही भटकते रह जाओगे। अच्छा राज, अब मैं फोन रखता हूं, मेरे अगले फोन का इंतजार करना। मैंने भी बहुत इंतजार किया था, अब तुम्हारी बारी है, करो इंतजार। हेलो। हेलो, yeah.
बोल रहा था राज? क्या चाहता है वो? कुछ नहीं, बस बकवास कर रहा था। त्रिशा, हमें पेशेंट से काम लेना चाहिए। देखो, तुम फैमिली का और राजदीप का ध्यान रखो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तानिया को वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। राज सही कह रहा था, मुझे परिवार का और राजदीप का ख्याल रखना चाहिए। तृष्णा, मैं शाल लेके आता हूं। ओके, परसिए। एंगेजमेंट की सीडी मैंने तो देखी ही नहीं है।
इतनी घबराई हुई क्यों? वो टीवी बंद कर रही थी ना, तो रिमोट काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए मेन पैनल से बंद करती हूँ। श्रेष्ठा, तुम भी कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करती हो, इसमें घबराने की क्या बात है? रिमोट की बैटरी खत्म हो गई होगी, जस्ट चेंज इट, सिंपल। हाँ, हो सकता है। राजदीप, आप तो शरार के लिए गए थे ना, तो अरे यार क्या करूं, जब से तुम्हें मिला हूं ना, भूलने की आदत सी हो गई, सब कुछ भूल जाता हूँ। सब गलती तुम्हारी है। एनीवे, आई जस्ट गॉट टू टेक अ शॉट, राइट? हे भगवान, ये सीडी अपने आप तो राजदीप की फाइल में नहीं आ सकती, जरूर किसी ने रखी है, क्योंकि ये फाइल में पहले तो नहीं थी। कौन कर सकता है, क्यों, क्या हो रहा है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? हेलो, कमाल है, सीटी हम बजा रहे हैं लेकिन सीटी आपकी बज रही है। वैसे राज जी, हमारे मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न हुआ है, हम चाहते हैं कि तानिया जी को ढूंढने में हम आपकी सहायता करें, लेकिन इस खेल में आगे बढ़ने के लिए आपको हमारी एक पहेली सुलझानी होगी। वो बचपन में खेलते थे ना, बुझो तो जानो, हैं? तुम क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। तो सुनो और ध्यान से सुनो राज जी, इस उद्यान मतलब इस गार्डन के अलावा और भी कोई जगह है जहां पर पानी की बौछार की आवाज सुनाई दे रही है, और जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में एक छोटा सा घर है, वहीं पाएंगे आप तानिया जी को। अब आएगा मजा, अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी, और पता चलेगा कि आप तानिया जी से कितना प्यार करते हैं। अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो वो आपको मिल जाएंगी, नहीं तो जी, अगर आप अपने लक्ष्य तानिया जी तक पहुंच गए तो हम एक बात मान जाएंगे कि आप तानिया जी से बेहद प्यार करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं। लेकिन ऐसे में एक तकनीकी अड़चन पैदा हो जाएगी राज जी, कि तानिया जी किसके साथ अपना बाकी का जीवन व्यतीत करेंगी, राज के साथ या कन्हैया के साथ? आपके साथ या हमारे साथ? राज के साथ या कन्हैया के साथ? हाँ, अब ये तो समय ही बताएगा कि ये गाना कौन गाएगा, आप या हम। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ मुझे।
प्लीज सानिया को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार। हेलो हेलो Is everything all right, Raj? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या ना कि एक पार्टी काफी टाइम से पेमेंट नहीं दे रही थी, अब थैंक गॉड कल देने के लिए तैयार है। लेकिन आप यहाँ, आई मीन कोई जरूरी काम? नॉट रियली, मैं अपने मैनेजमेंट से मिलने आई थी ये चेक करने के लिए कि बिजनेस के टारगेट अचीव हो रहे हैं कि नहीं। मॉम, आपके दोनों बेटे इसीलिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम अपने टारगेट्स अचीव कर सके और हमारी कंपनी हमेशा की तरह टॉप पे रहे। गुड, जितना भी सामान था मैंने सब हटा दिया। राजदीप, अब कोई भी चीज हमारे रिश्ते के बीच नहीं आ सकती। गैस ऑन नहीं है, आखिर आपको हो क्या गया है मां? मां, ये काम छोड़िए। मैं जानती हूं कि आप मेरे कारण परेशान हैं, है ना? लेकिन मां, आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसके कारण
आपको कोई टेंशन या परेशानी हो, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। राघव का नाम अपने दिल और दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। सच है कि मुझे तेरी चिंता होती है, लेकिन मैं खुश हूं कि तूने सब भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। तुझे क्या बताऊं, इस वक्त सबसे बड़ी चिंता मुझे तान्या की है। हे भगवान, मदद करो।